नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका ने कहा है कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए मना सकते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा जिससे ये दुश्मनी खत्म हो। बिहार में बड़े आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में काफी साजिश के तहत लोगों की हत्या करवाई जा रही है। संजय जायसवाल ने मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल प्लांट के बाहर राहुल नाम के छात्र की हत्या मामले में मंत्री इसराइल मंसूरी का हाथ बताया है। संजय जायसवाल शनिवार को राहुल के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और उनके मंत्री माफियागिरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सह पर ही सभी मंत्री विधायक ऐसा कर रहे हैं। अंतरिक्ष से एक और टेंशन वाली खबर सामने आई है। हाल ही में नासा से एक विशाल एस्ट्रॉइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जो अगले हफ्ते पृथ्वी की कक्षा में आ सकता है। हालांकि नासा ने इस पर अभी तक टिप्पणी नहीं की है कि अगर ये टकराया तो उससे हमारे ग्रह को कितना नुकसान होगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को रांची पहुंचे। रविवार को तेजस्वी झारखंड राजद के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया है। विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत ने बड़ी छलांग लगाई और पहले के 112वें स्थान से सीधे 55वें स्थान पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के समन्वित सत्यापन अभियान के तहत देश के आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार आया है। दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। मंत्रालय ने विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं को प्रशासन के माध्यम से घर घर पहुंचाकर फाइलेरिया रोग के संचरण को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया। समाधान यात्रा के क्रम में शुक्रवार को पूर्णिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में देरी को लेकर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार को जो कहा गया है उस अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई गई, साथ ही उसका हाईवे से संपर्क भी किया गया, सुरक्षा की गारंटी भी ली गई, मगर एयरपोर्ट के निर्माण में क्यों देरी की जा रही है उनके समझ से भी परे है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार के स्तर से इस मामले को देखा जाएगा और केंद्र से इस बाबत बात भी की जाएगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को वर्तमान बजट सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। उन पर सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि रजनी अशोक राव पाटिल सदन में कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करती हुई पाई गई है, यह मामला गंभीर है। सार्वजनिक क्षेत्र में आज ट्विटर पर इस सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया। मैंने इसे गंभीरता से लिया और वह सब किया जो जरूरी था। विकसित देशों के बारे में अभी तक कहा जाता रहा है कि उनमें ब्याज दर में वृद्धि या कमी का प्रभाव मुद्रास्फीति पर तुरंत दिखाई देने लगता है, मगर अभी देखा जा रहा है कि पिछले लगभग एक वर्ष से इन देशों द्वारा ब्याज दरों में लगातार की जा रही वृद्धि का प्रभाव मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के मामले में कारगर नहीं हो पा रहा है। मगर भारत जैसे विकासशील देश में ब्याज दर में की गई वृद्धि का असर मुद्रास्फीति पर तुलनात्मक रूप से कुछ तेजी से दिखाई दे रहा है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन आजाद पॉलिसी को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। लॉन्च के बाद 10 से 15 दिनों में LIC ने 50,000 जीवन आजाद पॉलिसी बेची है। LIC के अध्यक्ष एम आर कुमार ने वर्चुअल प्रेस मीट के दौरान इस बारे में जानकारी दी है। जीवन आजाद पॉलिसी एक नॉन पार्टिसिपेटिंग बीमा स्कीम है। LIC ने इसे जनवरी 2023 को लॉन्च किया था। LIC हर उम्र के लोगों को स्कीम चलाती है। देश के लाखों लोगों ने LIC की तमाम स्कीमों में निवेश किया है। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक शुक्रवार 10 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की, सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की और इस संबंध में अस्पष्ट कदम उठाए। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी से जुड़ी बाधाओं के बावजूद दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले, इसकी कुल क्षमता 59,00,000 टन है। इस खोज के बाद भारत, चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। अभी इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन भंडार मिलने के बाद अब जल्द हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ओडिशा के रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण अब कोई नारा नहीं है, बल्कि यह काफी हद तक एक हकीकत बन गया है। खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 132 रनों से हरा दिया। नागपुर के बीसीए स्टेडियम में दूसरी पारी में भी कंगारू टीम के बल्लेबाज रविंद्र चंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के आगे धराशायी हो गए और पूरी टीम महज 91 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने नाबाद 25 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि कोई चोट दर्द युवा खिलाड़ी बुजुर्ग हो या फिर फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ को दूर करते हैं। आप मुश्किल समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद के 34वें सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के विभिन्न सामाजिक समूहों, समुदायों, जातियों और सभी वर्गों से संबंधित है। मदनी ने कहा है कि हमारा देश विविधता में एकता और सच्चा बहुलतावादी का सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन हमारे बहुलतावादी को अनदेखा करते हुए जो भी कानून पारित होंगे उनका देश की एकता, विविधता और अखंडता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। गुजरात के सूरत में शुक्रवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई है, जिस वजह से झटके काफी कमजोर थे। हालांकि तुर्की में हाल में ही भूकंप से हुई तबाही को देखते हुए भारत में अब छोटे झटकों पर भी अलर्ट रहने की जरूरत बताई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3% है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ सकती है। वर्तमान में स्थिति वैसी नहीं है जैसे 6 महीने पहले थी। रिस्क समान रूप से संतुलित है। सीनेट की विदेश मामलों से संबंधित समिति की डेमोक्रेटिक पार्टी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को रूस के साथ भारत के संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर तब जब अमेरिका हिंद प्रशांत और क्वाड पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रिपोर्ट में एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत का समर्थन करने का आह्वान किया गया है। सीनेट के विदेश मामलों के अध्यक्ष सीनेटर रॉबर्ट मेडनेस ने कहा है कि अमेरिका को सभी संसाधनों और सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ हिंद प्रशांत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन पर यात्रियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। इससे पहले ट्रेनों में सिर्फ प्राथमिक उपचार की सुविधा ही उपलब्ध थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के एक ग्रुप अनुशंसा के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे स्टेशनों एवं गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता और उसके विस्तार की जाँच की थी और कमियों को दूर करने का भी निर्देश दिया था। न्यायिक नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव के संकेत अब भी आने जारी हैं। केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना कर चुके हैं, वहीं न्यायपालिका से जुड़े कई लोग कॉलेजियम के बचाव में तर्क दे चुके हैं। ताजा बयान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की तरफ से आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्ट कार्ड की कमी से लोगों के वाहनों के पंजीकरण एवं अन्य प्रमाण पत्रों के लिए 2-2 माह का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके लिए वे कई कई चक्कर लगा रहे हैं। ई दिशा केंद्र में उन्हें जवाब मिलता है कि आपके पास आपका प्रमाण पत्र स्वयं पहुंच जाएगा। ऐसे में न केवल लोग परेशान है बल्कि यहाँ कार्यरत कर्मचारी भी जवाब देकर थक गए हैं। इसका कारण बताया जा रहा है कि गुड़गांव से अनुबंध के तहत ये प्रमाण पत्र भेजे जाते हैं, जहाँ से समय पर भी सभी स्मार्ट कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसे दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों को विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा भारतीय मीडिया कंपनियों के साथ साझा करना चाहिए। राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भारत में भी ऐसा कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये प्रौद्योगिकी कंपनियां केवल समाचारों को साझा करने से कमाई करेंगे, जबकि इन समाचारों की विषय वस्तु मूल रूप से भारतीय मीडिया कंपनियां करती हैं। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने वेब सीरीज योर ऑनर के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वेब सीरीज योर ऑनर गरिमा को आहत करने वाले बताते हुए इस पर पाबंदी लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। विमानन नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने विमानन कंपनी एयर एशिया पर 20 लाख रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया है।
डीजीसीए ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एयर एशिया के खिलाफ कार्रवाई की है। डीजीसीए का कहना है कि एयर एशिया ने पायलटों की ट्रेनिंग में चूक की है और पायलट प्रोफेशिएंसी रेटिंग चेक में जरूरी अभ्यास नहीं किए हैं। देश दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। इधर कृषि सेक्टर में भी जलवायु परिवर्तन, बंजर जमीन, पानी की कमी जैसी चिंताएं बढ़ रही है, जिसके चलते खाद्यान्न उत्पादन कम होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आधुनिक कृषि तकनीकें ईजाद कर ली हैं, जो लगभग हर तरह की चुनौती को दूर करते हुए बेहतर कृषि उत्पादन मुहैया करवा सकती है और खेती किसानी मिट्टी और जलवायु की मोहताज नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम मुंबई के मरोल में आल जमी तुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने एकेडमी का दौरा किया, यहां वे काफी देर तक रुके और बोरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम ने कैंपस में कबूतर उड़ाए और वे रोटी भी बनाते दिखे। सभा में खुद को समुदाय से सीधा कनेक्ट भी किया। पीएम ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि इस परिवार से चार पीढ़ियों से जुड़ा हूं। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा ही कुछ उस वक्त देखने को मिला जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीनी सेना के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि खामियां तब थी और अब नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, अनवर करीम खान, एमडी नौशाद रजा, महमूद अंसारी, एमडी साकिर हुसैन, अनवर हुसैन, अर्जुन राम और अंशुप्रिया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।